हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक अलग सा प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा कि दोस्तों ये पूरा अलग सा प्रॉब्लम है। थंबनेल देख के पता चल गया कि किस टाइप प्रॉब्लम है। दोस्तों इसी टाइप प्रॉब्लम बहुत कम आता है, बट दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आया आज आपको प्रैक्टिकल रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये चाइना सीआरटी टीवी का एक फॉल्ट है, बट कुछ भी टीवी के अंदर ये फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड किया यूट्यूब के अंदर, पहला वीडियो था एलजी टीवी के अंदर, इसी तरह लगभग सेम प्रॉब्लम। तो चलिए आज ये प्रॉब्लम जो है चाइना पीसीबी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कौन सेक्शन से हो सकता है, कौन कौन पार्ट से ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सब कुछ बताऊंगा। मेनली ये जो प्रॉब्लम है इसी तरह जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑलरेडी इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर मेरे चैनल के अंदर 2-3 वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। आज आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम आपको वीडियो रिपेयर करके दिखाऊंगा ये कौन कौन पोजीशन से आ सकता है। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिपेयर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये ओनिडा का टीवी है, बट दोस्तों इसके अंदर चाइना किट है, मार्केट का लोकल पीसीबी है। चलिए मैं सप्लाई देख के आपको दिखाता हूँ किस तरह इसका पिक्चर आ रहा है। मेनली इसका पिक्चर का प्रॉब्लम है, आप अच्छा करके देखिए। ऑडियो वीडियो सिग्नल में देख के ही रखा हूँ और इसी तरह इसका प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों अच्छा करके देखने के बाद अब देख सकते हो कि इसका अंदर कलर का प्रॉब्लम है, बट दोस्तों वो मैं अभी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा आपको। जो रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये सिंक टाइप जो प्रॉब्लम है, अब देखिए इसका हाइट थोड़ा कम है, बट हाइट को मैं एडजस्ट नहीं किया और वो देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अलग सा पिक्चर ट्यूब है और इसका जो ओरिजिनल पिक्चर ट्यूब पर जिस पिक्चर ट्यूब का अंदर वो पीसीबी था उसका अंदर लगाने के बाद सही हो जाएगा। तो आपको ये जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ आप अच्छा करके देखिए, ये सिंक टाइप प्रॉब्लम है, पिक्चर रुक नहीं रहा है और ये लेफ्ट और राइट साइड इस तरह शिफ्ट हो रहा है और ये इसी तरह। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम को सिंक टाइप प्रॉब्लम कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको पीसीबी लेके दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कौन पोजीशन से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो पीसीबी का जो रिपेयरिंग आपको दिखाऊंगा, मैं पहले एक वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि ये जो पीसीबी का एक प्रॉब्लम था, स्टैंड बाई प्रॉब्लम, मतलब ईएसटी नहीं बन रहा है, स्टैंड बाई से ऑन हो गया था, ईएसटी नहीं बन रहा था। तो आपको ईएसटी ऑन करके दिखाया इसका अंदर जो प्रॉब्लम था, यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस चेंज करके, बट दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को मैं चेंज नहीं किया। तो एक बार देखूंगा कि ये रेजिस्टेंस को चेंज करके, क्योंकि दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है तो दोस्तों पहले एक वीडियो के अंदर ये पोजीशन कैपेसिटर चेंज करके मैं दिखाया कि ये चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो ये कौन पोजीशन का कैपेसिटर है ये भी आपको बताऊंगा, ये कौन पोजीशन का रेजिस्टेंस है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह प्रॉब्लम में और एक वीडियो के अंदर दिखाया कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर कैपेसिटर रहता है, ये जो कैपेसिटर देख रहे हो ये कैपेसिटर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट आपको देखूंगा कि ये जो पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट्स ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे भी उल्टा करके आपको दिखाना चाहते हैं कौन पोजीशन का रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला ये नीचे ये 1, 2, 3, 4 ये सेम लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है ये आईसी का एक पिन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये 14 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये साइड है कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर 470 माइक्रोफेरेड हो सकता है, 220 माइक्रोफेरेड हो सकता है, क्योंकि इसका अंदर ये जो मेन लाइन है ये 8-volt लाइन का ये मेन लाइन है, ये 8-volt लाइन से कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्शन है और ये नेगेटिव नहीं है, इसके अंदर बीच में रेजिस्टेंस ओपन है और ये जो लाइन जा रहा है आईसी का 14 नंबर पिन पर, ठीक है। तो ये जो 8-volt लाइन आप देख सकते हो यहाँ पर जम्पर है और यहाँ से यह तक जम्पर कनेक्शन है और ये 8-volt रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन है, ठीक है।
तो चलिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको बताऊंगा, पहले ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर यह जो पोजीशन आपको दिखा है, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को चेंज किया। अब देख सकते हो यहाँ पर मैं दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज करके लगाया, ठीक है। क्यों सीरीज करके लगाया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोजीशन का ओनली रेजिस्टेंस है ये चेंज किया, कि इसका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 8.2K, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 8.2K, तो ये रेजिस्टेंस में यहाँ पर मेरा पास सेम वैल्यू 8.2K नहीं है, तो इसलिए मेरा पास जो रेजिस्टेंस है 3.8K, तो 3.8K दोनों रेजिस्टेंस को मैं सीरीज करके लगाया, ठीक है। 3.8 के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज करके लगाया, तो चलिए अभी इसी टाइम क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको देखूंगा। और ये पिन का अंदर कितना वोल्ट आना चाहिए ये भी आपको देखूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं चलिए सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और चलिए स्क्रीन पर देखता हूँ कि पिक्चर किस तरह आता है। दोस्तों देखिए ये जो सिंक टाइप प्रॉब्लम ये चला गया, देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है। अब देख सकते हो पिक्चर इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब खुद ही देखिए। बट इसका कलर प्रॉब्लम है जो मैं फर्स्ट आपको बताया, ये मैं अलग वीडियो के अंदर रिपेयर करके दिखाऊंगा ये कलर प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है। बट चलिए यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, ये रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया, यहाँ पर कितना वोल्ट है मीटर पर देखिए 5.9 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर। और ये नीचे वाला पोजीशन पर कितना वोल्ट मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए 8.3 वोल्ट, ठीक है। तो और ये जो रेजिस्टेंस, ये जो आईसी पिन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, तो दोस्तों यहाँ पर 5.9 वोल्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। बट दोस्तों आपको नहीं दिखाया, ये प्रॉब्लम जिस टाइम था ये रेजिस्टेंस ओपन था तब भी यहाँ पर 5 वोल्ट मिला, ठीक है। अभी भी ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद, ठीक है, तब भी यहाँ पर इसी तरह ही वोल्टेज शो हो रहा है। मतलब वोल्टेज चेक करके इसी तरह प्रॉब्लम को पता नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको पहले ही बताया ये कैपेसिटर वीक होने का रीजन से, ओपन होने का रीजन से भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम अब देखेगा तो इसका अंदर कुछ कैपेसिटर यहाँ पर रहता है, ये प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी भी एक बार दिखाना चाहता हूँ, पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है, जो सिंक टाइप प्रॉब्लम देखिए अभी चला गया, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये कलर प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।